ये फिल्म सत्य घटनाओं से प्रेरित है, पर इस फिल्म में प्रदर्शित किसी भी पात्र के दस्तावेजित या फिर जीवनी नहीं है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो सत्य या अचूक घटनाओं को फिर से ताजा कर दे जिनसे वो प्रेरित है। कहानी और पात्रों के बीच के रिश्तों को कल्पना का रूप दिया है। किसी भी सत्य घटना, संस्थान या फिर मनुष्य, जीवित या मृतक से इसकी समानता एक संयोग है। ना ही निर्देशक, निर्माता या फिर कलाकार का इरादा किसी को बेइज्जत करना, उपद्रव मचाना या फिर किसी धर्म या धार्मिक मनोभाव, आस्था, मनुष्य भावनाओं, वर्ण या जाति को ठेस पहुंचाना है। अट्ठाईस साल पहले की बात है, जेल में एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग हो रही है हर्षद मेहता और उनके साथ उनके भाई की। बात चल रही है कि बॉस क्या प्लान है, कैसे निकलने का, ये लोग तो सब पलट गए, दोस्त दोस्त ना रहा, क्या प्लान है। तो कहते हैं कि देखो भाई, अडवाणी साहब से बात चल रही है, उनने कहा है कि बस एक ही बंदा अपन को निकाल सकता है यहाँ से, और वो है द बेस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री, जेठमलानी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, दिस वुड बी जेठमलानी ओनली जो फ्यूचर में जाके इवन वुड फाइट केसेस फॉर केपी। तो ये एक कन्वर्सेशन वहां पर चल रहा है कि बॉस अपन को अडवाणी साहब हु इज अ पॉलिटिशियन, उनने सिंपल से कह दिया कि यही अपन को बचा। तो ठीक है भाई, बात आगे बढ़ाओ और बताओ। बाकी सुनने में आया है कि भाई अपने पल्लव सेठ थोड़े ट्रबल्स में है, उनके पीछे भी पड़ गए हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हैं पल्लव सेठ कौन है? तो दोस्तों सीरीज में प्रणव सेठ देखा है, सुट्टा मारते रहते हैं, बिल्कुल बिंदास चिल मारते रहते हैं, बड़े बड़े डील लाते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स लेके आते हैं। तो ये एक्चुअल रियल लाइफ कैरेक्टर जो है वो पल्लव सेठ है। सो पल्लव सेठ का जब वो बोलते हैं तो हाँ, पल्लव सेठ के पीछे भी पड़ गए हैं, पूरा कार्टल को एक्चुअली क्रश करने का प्लान है। 52 करोड़ रुपीज का इनको बोला गया है, इनको जमा करना है, इंस्टॉलमेंट में इनने बोला है कोर्ट में कि मैं धीरे धीरे करके करूंगा। कुछ एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं, जैसे उनकी टोयोटा थी, टोयोटा को कर दिया, टोयोटा कोरोला थी, होंडा एकॉर्ड थी, वो भी फ्रीज कर दिया है। थोड़े परेशान है बट समहाउ इज मैनेजिंग। आप लोगों को बता दूं, पल्लव सेठ वॉज एक्चुअली अ कैरेक्टर ऑन हिज ओन, वेल आर्टिकुलेटेड, पब्लिक रिलेशंस में एक्सपर्ट। वो तो आपने सीरीज में देख ही लिया किस तरह वो अपने पब्लिक रिलेशन बना देते थे मंगूस मंगूस, एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर स्किल्स। इनफैक्ट आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि उनने अपना इनिशियल कॉर्पस, जो इनिशियल कैपिटल था, वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से नहीं कमाया था, उनने कमाया था ऑपरेट करके एक स्टॉक, और वो एक स्टॉक आज हर जवां दिल की धड़कन बन चुकी है। वही एक स्टॉक जिसको लेके हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, और वो नन अदर देन ITC है। अब आप लोग सोचोगे ये क्या है राधे राधे, केपी ऑपरेट करता था ITC, सेठ साहब करते थे ऑपरेट ITC, आजकल कोई क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा? क्या पता भैया कोई ऑपरेट कर रहा है तभी वो नीचे पड़ा, वी डोंट नो। एनीवेज उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पल्लव सेठ के पास एक और चीज थी कि ही वॉज सो गुड इन मेकिंग रिलेशनशिप्स विद पीपल दैट चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या म्यूचुअल फंड हो, ही कुड ऑलवेज मैनेज टू गेट गुड अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर हिज क्लाइंट्स एज वेल एज जिसके साथ भी वो नया अपना प्लान बनाते हैं। तो हर्षद मेहता कहते हैं कि यार एक काम करो, और अपना बच्चा कैसा है? अब इधर बच्चा डजंट मीन द लिटरल बच्चा, बायोलॉजिकल, इधर बच्चा मीन्स वो जैकी श्रॉफ वाला, ए बच्चा है मेरा, बच्चा है मेरा, वो वाला बच्चा। तो जब प्यार से अपन आउट ऑफ रिस्पेक्ट पूछते हैं, एंड हियर दिस बच्चा वाज मोर ऑर लेस इनडायरेक्टेड टुवर्ड्स केतन पारिक। सो अश्विन इन्फॉर्म्स कि यार वो भी थोड़ा एक वो कैनफिना म्यूचुअल फंड के कांड के चक्कर में थोड़ा फंसा पड़ा हुआ है। सो हर्षद मेहता हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस गाय केपी, एंड ही सेड टू अश्विन कि उसे भी अपना धंधा थोड़ा सिखाओ, बंदे में पोटेंशियल है, बंदे में कैपेसिटी है, एंड पल्लव भाई से भी बात करो कि पल्लव भाई भी इसको सिखाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ केपी गॉट 3 गॉडफादर्स। HM का कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन यहाँ पर केपी को 3 गॉडफादर रेडीमेड फ्री ऑफ कॉस्ट Amazon बिग बिलियन सेल में मिल गए। डिस्क्लेमर, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं Amazon बिग बिलियन सेल, कुछ ट्रोलर उसमें भी आ जाएंगे। तो पहला गॉडफादर जो कि नो अदर देन जिसमें हमने इंटर्न करी, दैट इज ग्रोमोर के हर्षद मेहता, उनसे उनने सीखा गेम खेलना कैसा है। दूसरा गॉडफादर अश्विन मेहता, उनसे उनने सीखा कि गेम में क्या नहीं करना है, कैसे नहीं खेलना है, द मिस्टेक्स व्हिच हिज ब्रदर डिड, अश्विन वांटेड टू मेक श्योर दैट केपी डजंट डू दैट, सेकंड चीज। और तीसरा एडवाइजर जो बाद में इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड का गणित सिखाने वाला है शकुनी मामा, वो कोई और नहीं
वो है हमने सेठ साहब पल्लव सेठ। रंगीन कैरेक्टर है बट हेल्प बिल्कुल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये चीज बता दूं, जहां एक टीम बन रही थी वहीं पर दूसरी टीम भी बन रही थी, और वो दूसरी टीम में इस बार कुछ लोग रिटायर हो गए थे लेकिन दो प्रोमिनेंट प्लेयर आ गए थे तलाल स्ट्रीट में, हर कोई जानते थे, जो हर तरीके के वॉयलेंट मूव से झेल के निकल गए थे, और वो कोई नहीं थे आरकेडी और आरजे थे। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने अभी तक स्पेकुलेशन छोड़ा नहीं है। एक्चुअली में सीरीज में थोड़ा मेकओवर दिया गया है, एज इफ उनने 92 के बाद छोड़ दिया था, कुछ नहीं छोड़ा है, बिंदास ये लोग कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने अपने प्रीवियस पार्ट सीरीज के नहीं देखे तो वेट क्या कर रहे हो, जाके देखो, सो दैट यू एक्चुअली गेट टू नो व्हाट वाज द रियल स्टोरी बिहाइंड दैट। ओके, तो यहाँ पर एक और टीम बन रही है और टीम में कुछ नए मेंबर्स ऐड होने वाले हैं जो धीरे धीरे हमको आगे पता लगेगा। फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं, लास्ट सीरीज में हमने बात करी किस तरह केपी खतरनाक वाली चीजें उठा रहा था, तो अब हमको समझ में आ गया है कि केपी को ये सारी चीजें सिखा कौन रहा था। लेकिन केपी के पास सबसे बढ़िया मौका आया था जब Y2K वाला प्रॉब्लम आ गया। अब ये Y2K वाला प्रॉब्लम क्या था, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा एक सिंपल सा बताता हूँ। ये एक Y2K बग था। बेसिकली जो 1940s या 50s के बाद कंप्यूटर बने तो उसमें जो टाइम डला था, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स था, उसमें जो टाइम डला था उसमें एंड में DDMMYY पैटर्न में होता था, डेट मंथ ईयर के पैटर्न में, ठीक है। और उसमें सिर्फ क्या होता था कि अगर आप 4 डिजिट का ईयर रखोगे तो उसके कारण हर सिस्टम इतना स्पेस ले लेता था, हर सिर्फ एक डिजिट से इतना स्पेस जाता था सब में। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता था कि कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएंगे या सिस्टम्स क्रैश होते थे, फेल होते थे, और बहुत स्पेस जाता था। तो दैट्स व्हाई व्हाट डेवलपर्स हैड डिड कि उनने 2 डिजिट का कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पर सीन ये हो गया था, एक नया पैनिक बन गया था, ये स्पेशली 95 के रिपोर्ट के बाद ये पैनिक आने लग गया था। पैनिक क्या था कि बॉस हमारा डबल डिजिट पे तो चल रहा है लेकिन जब ईयर 2000 आएगा, जैसे 98, 99, 2000, तो ये 00 जब सेट हो जाएगा तो ऐसा ना हो जाए कि कंप्यूटर हमको 1900 के हिसाब से कैलेंडर मार्क कर। अब आप बोलोगे सर इतनी सी चीज में इसमें पैनिक होने का क्या है? अरे भाई साहब, होटल्स जिनने हाई एंड सिस्टम्स बना के रखे हुए हैं वो इस डेट के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब न्यू ईयर के दिन बिलिंग सबको अलग हो जाने वाली है। डिफेंस के प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं इस कैलेंडर के हिसाब से, हाई प्रोफाइल मशीन्स चल रही हैं इस प्रोग्राम के हिसाब से, दुनिया के हर कंप्यूटर इस बेसिस पे चल रहे हैं। तो एक डर आ गया था कि बॉस एक बार ये 2000 खत्म होगा उसके बाद टेक्नोलॉजी पूरी नष्ट हो जाएगी, पैनिक मच जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और हर जगह पैनिक मच जाएगा। और यहीं पर इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आई, बिकॉज सबसे ज्यादा हमाली करने वाले लोग कहां पर मिलेंगे, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग भी आपको कहां मिलेंगे, नन अदर देन इंडिया में। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा वर्कफोर्स था वो इंडिया में था, और इन्फोसिस यहाँ पर लीड कर रहा था बटालियन को, जो विद द फॉर्म ऑफ BPO एंड KPO। यहाँ पर इंडिया ने ये बागडोर ली, एंड तभी US और इंडिया के बीच में अंडरसी फाइबर्स काफी गए थे, तो कनेक्टिविटी ऐसी थी कि इंडिया में बैठ के बंदा US की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तो इंडिया ने इसकी पूरी बागडोर संभाली और कहा बॉस वी विल रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज, टेंशन नहीं लेने का, हम हैं। एंड यू कैन नॉट बिलीव इट, वहां पर हमारे IT सेक्टर ने मार्क बनाया था और वहीं पर हमने झंडे गाड़े थे, बिकॉज वी लिटरली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हमारे सारे प्रोग्रामर्स ने उसका सोल्यूशन निकाला, उस प्रॉब्लम से निकले एंड झंडा गाड़ा, एंड इंडिया का एक नाम सॉलिड जम गया। एंड दैट वॉज वन ऑफ द रीजन वाई देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फेथ कि अब हमारी इंडियन IT कंपनीज कोई नहीं रोक सकता। बैक टू बैक लिस्टिंग चल रही है, बैक टू बैक सारी चीजें चल रही है, और KP भी एक्टिव हो गया है धनाधन 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 सारी चीजें खरीदने के लिए। अब यहां पर एक चीज होती है, मीटिंग बैठी जाती है KP, अश्विन हुज हिज एडवाइजर, सेठ एंड अ फ्यू अदर ब्रोकर्स, बात कुछ सीरियस हो रही है। बात क्या चल रही है कि यार बॉस देखो, एक सिंपल सी बात है, अपन सिर्फ ब्रोकर और ये थोड़े बहुत बड़े क्लाइंट के पैसे से इतना हिला नहीं पाएंगे, तो इसपे KP एंड हिज ब्रोकर से कि कैनरा वैनरा से बात करें क्या, मतलब थोड़ा वो करके। एंड फॉर विच द ऑब्वियस रिजेक्शन इज कि नहीं, देखो पिछले कांड में भी 3-4 साल पहले ये PSU से आएंगे पैसे, बट वो घुमा के लाएंगे, डायरेक्ट अगर लाए तो हम फंस जाएंगे। तो बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए, बोले इस बार ना प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक्स को लेते हैं।
पहली चीज है इन पे बहुत जल्दी सूली नहीं लटकती है, बिकॉज अभी क्या हो गया है, SBI, कैनरा, इन सब पे बहुत लोग नजर बिठा के बैठे हुए, और कुछ ना कुछ सामने वाली पार्टी का बेयर कार्टेल का सोर्स निकल आता है, वो लोग बता देंगे तो हमारी लगेगी। तो तेरे कोई जुगाड़ है? तो बोलते हैं हाँ मेरे अहमदाबाद में जुगाड़ है, मैं अपना जुगाड़ से वहां पर करता हूँ। एंड MMTC एंड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, दीज टू बैंक्स बिकम द हब फॉर केतन पारेख, माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इनफैक्ट टू मेक श्योर कि KP का प्लान किसी को ज्यादा पता ना चले, KP अपना दबाव बनाए रखे, he starts buying stake into that company to get the board member over there, ताकि उसके पास rights आ जाए, controlling rights थोड़े बहुत आ जाए, ताकि वो अपना गेम खेल सके। तो पहली चीज का जुगाड़ हो गया है banks। लेकिन इस बार बिकॉज तीन एडवाइजर हैं, एक तो ठीक है जेल है, बट बाकी दो एडवाइजर हैं जो कि गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है जब ये कन्वर्जेशन चल रहा है कि बॉस केवल और केवल हम इस बार बैंक से नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी लाना पड़ेगा। जिसमें सेठ साहब बोलते हैं अरे भाई साहब FIIs का काम आएंगे, विल ट्राई टू प्ले अ गेम जिससे कि इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ आएंगे और साथ में म्यूचुअल फंड आएंगे। लेकिन इस पे एक ऑफन एक ऑब्जेक्शन आता है थ्रू द एंटायर ग्रुप ऑफ ब्रोकर जो ये सीक्रेट मीटिंग चलती है, उसमें ये कहते हैं कि यार बॉस तुमको क्या लगता है ढंग के म्यूचुअल फंड आएंगे? छोटे मोटे म्यूचुअल फंड के पास वैसे भी ज्यादा AUM रहता नहीं, बड़े म्यूचुअल फंड आएंगे क्या? तो जिसपे की एक ऑब्वियस सा रिप्लाई आता है, अरे भाई तेरे को क्या लगता है ये UTI, ये BBI, ये BCBC बैंक, ये जितने भी सारे लोग हैं, आई हैव जस्ट चेंज्ड अ फ्यू नेम्स, ये जितने भी सारे लोग हैं, ये तुम्हें क्या लगता है भाई साहब, ये सब बैठे हुए हैं पब्लिक का सी काटने के लिए, सी बतले तो कैरेट काटने से आंखें शार्प होती है। ये तो बोले ये सबको तुम अगर कमीशन दोगे, मार्जिन दोगे, तो ये झक मार के आएंगे। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नेटवर्क कहता है, बात तो चलो यहाँ पर डील क्रैक करो, अपने आप सारी चीज निकलेंगी। पैसे के सारे भूखे हैं, इन सबके जो मैनेजर्स हैं इनको अच्छे से आता है सी काटना, कैरेट काटना आंखों के लिए, एंड दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट्स ताकि इनका प्रमोशन होते जाए, बोनस होते जाए। तो यहां से इनका प्लान बनता है टू गेट ऑन बोर्ड विद म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों अभी तक कौन कौन ऑन बोर्ड हो गए हैं? एक टीम ऑफ ब्रोकर्स विच हैज गॉट गुड अमाउंट ऑफ मनी, ऑपरेटर्स कह लो, म्यूचुअल फंड्स जो अब धीरे धीरे करके UTI एंड अ फ्यू मोर नेम्स आर गोइंग टू इमर्ज ओवर हियर, दो जन का सेटिंग हो गया है। तीसरा बैंक, हमारे पास तीन की सेटिंग है। नाउ दिस सीम्स लाइक एन प्लान इंडिस्पेंसिबल, कोई नहीं रोक सकता, और मार्केट में अब तांडव होना शुरू होता है। जी एंटरटेनमेंट 30 रुपए का धीरे धीरे 70, 80, 90, 10,000 रुपए। इनफैक्ट टू मेक इट 5 to 6x इट ओनली took 2 months। ICE पैक जो था, इन्फोटेक कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट, जिसमें कि ABCL, सिल्वर लाइन, प्रीतेश नंदी, टिप्स, मुक्ता आर्ट्स, ओ प्रीतेश नंदी जी ने तो इंटरव्यू लिया था HM का, एनीवेज ये सारे के सारे अब भगने लग जाते हैं। बाजार में ऑलरेडी एक क्रेज चला हुआ है, इंटरनेट बूम, इंटरनेट Y2K हमने सॉल्व कर दिया है, म्यूचुअल फंड्स की मैंने लास्ट टाइम बात करी थी किस तरह के रिटर्न है, एवरीवेयर देयर इज अ क्रेज। इनफैक्ट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, नो मैटर व्हाट ही बाइज, व्हाट ही और शी इज बाइंग, दे आर ऑलवेज मेकिंग मनी। एंड तभी कुछ दिन बाद अब दबाव बन चुका है, KP हर जगह छा रहा है लेकिन लो प्रोफाइल रख रहा है, ही इज नॉट रिवीलिंग, ब्रोकर्स को पता है, इंटरनल प्लेयर्स को पता है, एंड फिर ऑफिस में कॉल आता है और वो कॉल कुछ इस तरह का रहता है, मैं दिनेश डालमिया बात कर रहा हूँ और मीटिंग करना चाहूंगा, और ये मीटिंग होती है और यहां से बड़ा गेम चालू होता है। दिनेश डालमिया कहीं ना कहीं जितने भी स्कैम्स हुए हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट स्कैम्स हुए हैं, इनका नाम उछलता है। एक ऑपरेटर एंड प्रोबेबली द ओनली ऑपरेटर जिसपे जितने भी लिटिगेशन लगे हैं सबसे ज्यादा बार यही बचे हैं, obviously बीच में फंस गए बेबी के चक्कर में, लेकिन सबसे ज्यादा बार यही बचे हुए हैं। इस बार प्लान है DSQ सॉफ्टवेयर के साथ और केतन पारेख के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। प्लान बहुत बड़ा है, मार्केट को हिला देने वाला प्लान है, और धीरे धीरे करके आपको इनका प्लान समझ में आएगा। दोस्तों अब समय ऐसा आ गया था जब केपी ने अपना प्लान और एक लेवल आगे ले गया था। केपी वॉज ट्राइंग to become sort of
was trying to capture the god of market. इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनिए. KP अब direct promoters, in fact KP नहीं, promoters direct KP को approach करने लगे. जैसे Pentam Media ने उनको approach किया. एक meeting रखी गई KP के साथ. उनको बोला गया, यार boss loss हो रहा है यार हमको. हम बहुत ही खतरनाक loss में हैं. अगले 2-3 साल में बंद हो जाएंगे. हवाले निकले पड़े हुए हैं. लिस्टेड है कंपनी लेकिन कोई वैल्यू नहीं दे रहा है. केपी सेज ओके, मेरे को स्टेक चाहिए, मेरे ये टर्म्स है, मेरी ये कंडीशन है, अगर रेडी हो तो बोलो. तो ऑब्वियसली डूबते को तिनका का सहारा, दीज पीपल गॉट रेडी कि हाँ केपी का रेप्यूटेशन ही हमको बचा सकता है. फंड्स जो भी है, जैसा भी ये करेगा. सो प्लान कुछ इस तरह से बनते हैं और ये प्लान बहुत सारे प्रमोटर्स के साथ होता है, आज भी होता है. ठीक है, आज भी होता है. इसलिए प्लेजिंग थोड़ा देख के शेयर्स में इन्वेस्ट करना. इनफैक्ट बहुत बार आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी कंपनीज कर रही है. तो प्लान कुछ इस तरह से होता है. टू साइडेड प्लान्स बनते हैं. पहला प्लान ये बनता है कि बॉस जितने भी तुम्हारे ये हैं शेयर्स, तुम प्लेज करवाओ बैंक के साथ, गिरवी रखो, उसके अगेंस्ट पैसा लो. बेनामी ट्रांजेक्शंस घुमा घुमा के ये सब आएंगे केपी के पास. ठीक है, फ्रॉम दैट मनी केपी विल स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस ऑफ दिस थिंग. तो याद रखिए, केपी और उसके एसोसिएट अपने पैसे से उठा रहे हैं, बैंक्स के पैसे से उठा रहे हैं और प्रमोटर के पैसे से भी उठा रहे हैं. एंड अब मीडिया हाउसेस के साथ भी खेला जा रहा है. स्टोरीज प्लॉट की जा रही है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, विदेशों के साथ नेटवर्क, फलाना डिम का पता नहीं क्या 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 क्या, इस तरह की सारी चीजें वहां पर फैलाई जा रही हैं, जिसके कारण एक पब्लिक परसेप्शन बढ़ रहा है. ऑटोमेटिक वॉल्यूम सारे ऊपर जा रहे हैं एंड पंप एंड डंप का सिलसिला शुरू हो रहा है. तो बेसिकली एक सिंपल सा उदाहरण दू, प्रमोटर कहता है ठीक है मैं 100 करोड़ रुपीज घुमा के आपके पास भिजवाता हूँ, प्लस उनके पास उनके खुद के 500 करोड़ रुपीज एक स्मॉल कैप स्टॉक में डाल के धीरे धीरे करके वो वॉल्यूम्स बढ़ा रहे हैं. उस वॉल्यूम को देख के और लोग आ रहे हैं और प्राइस रिगिंग हो रही है, और फिर धीरे धीरे करके उसको डंप कर रहे हैं एंड सर्किट पे सर्किट. अब आपको यहां पर एक चीज बता दूं, यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना जरूरी है. एक था ब्रोकर का 1-2-3 मेथड और दूसरा है सर्कुलर ट्रेडिंग. तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये सर्कुलर ट्रेडिंग क्या थी, जिसपे केपी की महारत हासिल थी. सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ट्रेडिंग, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. अब आप बोलोगे सर ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, नहीं नहीं भैया इस चीज में पढ़ना मत, दिल्ली का है. बेसिकली क्या होगा, मान लो हम 5 दोस्त हैं, आप, मैं और 3 और कोई भी दोस्त हैं, हर्षद मेहता, केतन पारेक और नीरव मोदी, मान लीजिए ये मेरे दोस्त नहीं है, चलिए आपके दोस्त हैं. ठीक है, अब आप क्या प्लान करते हैं कि सबके पास 100-100 करोड़ रुपए, 100-100 crores है. यू डिसाइड कि यार बॉस अपन ना एक दूसरे के साथ बाइंग सेलिंग करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस. इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम्स अपने आप बढ़ते हुए दिखेंगे, एक्सचेंज पे बढ़ते हुए दिखेंगे. एंड याद रखिए, हर ट्रेडर, हर इंस्टीट्यूशन, हर म्यूचुअल फंड एक कॉमन पैरामीटर देखता है किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले, वो होता है उसका वॉल्यूम. अब यहाँ पे सीन ऐसा रहेगा कि बॉस हम लोग यहाँ पे 10-10 करोड़ का स्टेक लेके रखेंगे या 20-20 करोड़ का स्टेक लेके रखेंगे, और बाकी जो करोड़ रहेंगे उससे हम सिर्फ वॉल्यूम बनाएंगे, दैट्स इट. अब सीन क्या होगा, जैसे ये वॉल्यूम म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन के नजर में आएगा तो दे विल स्टार्ट बाइंग. रिटेल तो है ही बेवकूफ, कैरेट खाने वाला, तो वो भी आएगा. तो वो धीरे धीरे करके वो सारे चीज आएंगे तो ऑटोमेटिकली द प्राइस विल स्टार्ट गोइंग अप. एंड फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 20 करोड़ का स्टेक तो है ही, हम वहां पे डंप करेंगे, हमारा 20 करोड़ बन जाएगा 80 करोड़, बाकी जिसको जो करना है करने दो. और ये प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और डीएसक्यू के साथ भी ये बहुत सारी चीजें की गई थी. तो बेसिकली प्रमोटर घुमा के केपी को दे रहे हैं, केपी घुमा के सबके लिए पैसा बना रहा है. इन शॉर्ट केपी को मिल गया था गॉड. अब आप बोलो ये गॉड मतलब क्या है, देखिए इकोनॉमी को चलाने के लिए हमेशा गॉड लगता है और केपी के पास गॉड आ गया था. गॉड जी फॉर गोल्ड. गोल्ड सबसे ज्यादा रिजर्व्स रहते हैं बैंक्स के पास, सेंट्रल बैंक्स के, बैंक्स के पास. तो बैंक्स उसके पास आ गए थे. विदेशों में जरूरी होता है ऑयल रिजर्व्स जमा करके रखना. ओ स्टैंड्स फॉर ऑयल रिजर्व्स. तो विदेशी मतलब FIIs के साथ सेठ साहब ने सेटिंग करवा दी है, वो यहाँ पर फेक वॉल्यूम्स देख के आ रहे हैं. वैसे भी FIIs ज्यादा इधर नीचे का पता कहाँ पर कर पाते हैं उस टाइम पे, जो यहाँ से रिसोर्स जा रहे हैं, इन्फो जा रही है उस पर वो बिलीव कर रहे हैं. एंड फाइनली DD स्टैंड्स फॉर डायमंड्स. डायमंड्स मतलब मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट. तो इन शॉर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स एंड FIIs, गॉड मिल गया था केपी को
अब रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था, ये डॉन का डायलॉग है लेकिन केपी पे भी लागू होता है। तो बेसिकली राउंड ट्रिपिंग हो रही है, प्रमोटर्स हवाला के थ्रू पैसा ला रहे हैं, कुछ प्रमोटर्स खुद ही एफआईआईज वाले बेनामी अकाउंट बना के वापस पैसा ला रहे हैं, म्यूचुअल फंड पैसा लगा रही है। इन शॉर्ट लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, मतलब अच्छे से अच्छे बंदे को लगेगा कि भैया बाजार गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिरेगा, बिकॉज मार्केट में इस तरह का माहौल चल गया है। विजुअल सॉफ्ट लाइट कंपनी 65 रुपीज से 8,448 रुपीज चले जाती है, पेंटा सॉफ्ट चले जाती है ऑलमोस्ट 20x, जी चले जाती है 10x, अंधाधुन भगे जा रही है भगे जा रही है भगे जा रही है। एक बियर कार्टेल है दोस्त, उसको बड़ी टेंशन हो रही है, क्यों? क्योंकि जिसे देखो डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, ये पेंटा सॉफ्ट को ही इनने नाम चेंज कर दिया, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, सत्यम कंप्यूटर, जी टेलीफिल्म्स, एल्फेक, रनबैक्सी, एसएसआई, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, एचएफसीएल, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पद्मनी टेक्नोलॉजी, शोंक टेक्नोलॉजीज, ल्यूपिन एंड अडानी एक्सपोर्ट्स, कोई आईटी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी की बात करो, हर कोई इन्वॉल्व था। हाँ, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले एक और किसी का नाम लिया जिनकी बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी इन्वॉल्व थे। तो अब ये सारे लोग मतलब अब एक यूफोरिक मार्केट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जो सेकेंड टीम है उनको यहाँ पर बहुत चीज अखर रही है और वो वेट कर रहे हैं कि कब केपी अपनी एक गलती करे, और अब केपी ने कर दी है 3 गलतियां, एक नहीं 3 गलती। तो समझते हैं वो 3 गलती क्या होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसा रोटेट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, 2000 में एक रिपोर्ट आ जाती है। दोस्तों अगर कुछ भी सीखने मिल रहा है तो मेक श्योर आप लाइक करो, इस बार लाइक का टारगेट है 20,000 लाइक्स, जितने जल्दी होगा, बिकॉज अब इस पार्ट का एक नया वर्जन आएगा, वो है स्कैम ओरिजिन्स की, कौन से कैरेक्टर थे जिनके बारे में आपको नहीं पता, धीरे धीरे रिवील किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द आए तो मेक श्योर आप लाइक करते जाओ। तो चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो कौन से 3 मिस्टेक्स है जो केपी ने किया। पहला, 2000 ईयर में डॉक्टर मार्क मोबियस का एक रिपोर्ट आता जो कहता है कि भाई अक्रॉस द ग्लोब आईटी हैज बिकम अ बबल, इंटरनेट इज अ बबल, फटेगा, सतर्क रहो। केपी ओवर कॉन्फिडेंस में, डिस्पाइट नोइंग अबाउट सच रिपोर्ट्स, ही सेज फालतू है यार, अपन को कौन रख सकेगा, अपुन इस भगवान है, ही हैज गॉट इनटू दैट स्टेट। देखिए मेरा हमेशा मानना है सक्सेस मिलता बहुत लोगों को, बहुत लोगों को मिलता है, आप में से भी काफी लोगों को मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, सक्सेस मिलता बहुत को है लेकिन सक्सेस मैनेज बहुतों से नहीं होता है। जो मैं सोशल मीडिया पे भी जाके देखता हूँ ना, जो थोड़ा सक्सेस आने के बाद कुछ 4-5 करोड़ के बाद लोगों के अंदर इतना एरोगेंस आ जाता है। पॉइंट ये है कि लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट एक्चुअली होल्ड ऑन टू दैट सक्सेस। जब तक क्राउड चिल्ला रही है बढ़िया ये वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो क्राउड आपके अगेंस्ट पलट जाएगी। पॉइंट ये है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, लेकिन यहीं पे तो गलती कर दी, केपी में भी सक्सेस सर पे चढ़ रहा था, तो पहला मिस्टेक। दूसरा, जिस चीज से वो खुद दूर जाना चाहता था, जिसने उसे गेम खेलना सिखाया, वो एक और चीज सिखा गया कि बॉस जब बहुत बड़ा बन जाए तो थोड़ा शो ऑफ करना जरूरी। केपी थ्रोज अ ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी, मांडवा पे वो अपनी पार्टी रखते, दैट इज नियर टू द गेटवे ऑफ इंडिया, लैविश पार्टी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, लॉट ऑफ, बिकॉज केपी वॉन्ट्स टू शो हिज पावर कि बॉस अपुन इज पावर। खबर पहुंच जाती है पूरे दलाल स्ट्रीट में और जो डिस्क्रीट ब्रोकर्स होते हैं वो बहुत खुन्नस में है कि ये मरेगा और हमें भी मरवाएगा, हम लोगों को इतना शो ऑफ करना शोभा नहीं देता। बट याद रखिए इन्हीं चीजों का फायदा मिलने वाला है बेयर कार्टेल को, बिकॉज जैसे ही आपने शो ऑफ करना शुरू किया रेगुलेटर्स और आईटी के कान खड़े हो जाते हैं और उनके खड़े होने शुरू हो गए थे। और तीसरी मिस्टेक जो इनने कर दी है वो ये कर दी है, मैं नाम थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, अगर समझ जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, समाजवादी पार्टी में जो नेता है गब्बर सिंह उनसे इनका उठना बैठना शुरू हो गया, और जस्ट बिकॉज इनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ रही है तो बीजेपी वालों के आंखों पे खटकने लग गए थे। उनको लग रहा था कि कहीं ये इनको फंडिंग में भी तो हेल्प नहीं कर रहा केपी, कहीं इतना उठना बैठना हो रहा है इसके कारण ये वाली चीज तो नहीं है। इनफैक्ट केपी वॉज नाउ गेटिंग फंडेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, he was getting funded by FIIs, he was getting funded by promoters, he was getting funded by brokers, he was getting funded by traders,
he was getting funded by politicians. In short, आप समझो KP ने सारी मुट्ठियां अपने पास कर लिया. Now you get to understand why he was so powerful. कि भाई भारत में अगर किसी के हाथ में पॉलिटिक्स है, किसी के हाथ में पैसा है, किसी के हाथ में मार्केट है, डोंट यू थिंक इज द मोस्ट पावरफुल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, डोंट यू थिंक इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ऑब्वियसली. एंड दैट्स व्हाई जो हमने लास्ट सीरीज में बात कर दी, कोई क्यों मैं मेसअप नहीं करना चाहता केपी के साथ, दिस वॉज द रीजन. बट ये जो तीन मिस्टेक करी, इनने मौका दे दिया टीम टू को, और टीम टू की अब मीटिंग शुरू होती है. यार ये जो केपी जो बाजार चढ़ा रहा है ना, इन्फ्लेटेड वैल्यू है, टिकेगा नहीं, ये भी जाएगा अपने गुरु के जैसा अंदर जाएगा. और ये जो पॉलिटिशियंस को साथ दे रहा है ना, इसने गलत पॉलिटिशियंस को साथ दे दिया. अपने वालों को खबर पहुंचाओ, हम एक प्लान बनाते हैं, अब बहुत उड़ लिया है, अब इसको नीचे लाने का टाइम है, प्लस अब हमारे कमाने का टाइम है, अब हम कमाएंगे. और आपको तो पता ही है ये वाला कार्टल जो सेकंड कार्टल है, जो वैल्यू इन्वेस्टर का ढांचा पहन के बैठते हैं, ये मेन तो सारा कमाते हैं ठोक के. तो एनीवेज इनका मेन पैसा वहां से आता है, उसके बाद ये सब वैल्यू इन्वेस्टर बन जाते हैं. तो अब इनको ये चीज पता है कि केपी शाना है. केपी अपने पोजीशंस किसी को नहीं बताता है, उसके एसोसिएट्स तक को नहीं पता चल पाता है कि केपी कहां पर पोजीशन बना रहा है. इनफैक्ट जो वो ब्रोकर्स को भी डील देता है, वो मल्टीपल ब्रोकर्स को डील देता है. केपी जो अपने ट्रांजैक्शंस करता था, वो बल्क ऑर्डर्स अपने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे देता था. और इसी केपी कांड के बर्स्ट होने के बाद द एंटायर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज विल गो. The point is, KP multiple brokers के साथ ये चीज करता था, और KP जितना सीधा दिखता था, he was a soft-spoken person, not very flamboyant, लेकिन वो उतना ही चालू था और उतने बुरी तरीके से पनिश करता था. For instance, अगर आप KP के ब्रोकर हो और आप फ्रंट रनिंग करने की कोशिश करते हो, अगर फ्रंट रनिंग क्या होता है नहीं पता तो लास्ट पार्ट जाके देखो. तो मान लीजिए KP ने आपको डील दिया, आप फ्रंट रनिंग करने की कोशिश करोगे, और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए भी थे. फॉर एग्जाम्पल, केपी को पता लगा कि बॉस कोई अपन को डबल क्रॉस कर रहा है. अपन ऑर्डर देते हैं, ये बंदा एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, अपन से पहले ऑर्डर लेता है, उसके कारण प्राइस बढ़ जाता है और अपन को गलत प्राइस मिल रहा है. हम इस पे इतना भरोसा करते हैं और ये करता है, सुनने में आया है. अब तो ये अपने ट्रेड में फुल मार्जिन लगाता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई केपी भाई घुस रहे हैं, अपने को कौन रोकेगा. तो केपी ने नचा प्लान. केपी ने प्लान ऐसा रचा कि पहले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में बात करी, ठीक है, एंड वहां पर बोला कि इस टाइम पे अपने इन इन अकाउंट से तुम लोगों को बेचने हैं 10 लाख शेयर इस स्टॉक के, एक्स वाई जेड स्टॉक के 10 लाख शेयर बेचने हैं. और उसके बाद उनने इस ब्रोकर जो डबल क्रॉस करा था, इसको पता था कि वो डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल क्रॉस वाले को नहीं पता कि इनको पता चल गया, उनको कॉल करके बोलते बस 2 लाख रुपए उसी एक्स वाई जेड शेयर का इधर उठाना है. अब इस बंदे को पता नहीं कि 10 लाख शेयर उधर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में सेम उसके बिक रहे, 2 लाख शेयर इसके उठा ले फटाफट. अब ये बंदा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, ऑल इन जाके ये वहां पर वो कर लेता है, खरीदता है. अब जब कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में इतना मैसिव फॉल आता है, इस चक्कर में यहां पर भी खबर जैसे पहुंचती है ये स्टॉक भी गिरता है. ब्रोकर की लग गई होती है जो कॉपी करता है ट्रेड, कॉल करके सर बचा लो, फंस गया, माफ कर दो मेरे भाई, माफ कर दो. अब उसको समझ में आ गया पूरा गेम कि मेरा अब बैंड बज गया, सर गलती हो गई है, अगले बार से ऐसा आपके साथ डबल क्रॉस नहीं करूंगा. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई केपी वाज सो फियर्ड, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले विद द माइंड एंड वेरी केयरफुली. सोचो यार, उसने हर बंदे को अपने इंस्टीट्यूशन से लेके हर बंदे को पॉलिटिक्स को साथ में लेके आ गया, डिस्क्रीट रहा, बस उसने लास्ट में कुछ गलतियां कर दी, बट स्टिल ही वॉज प्लेइंग रियली गुड. तो यहाँ पर जब मीटिंग चल रही है ये बेयर कार्टेल्स की, तो इस बार जाते जाते ये क्या बोलते हैं, आप भी हैरान हो जाओगे. ये बोलते हैं कि देखो तीन चीजें करो. पहली चीज है अपनी टीम बढ़ाओ. तो एक जन बोलता है अपनी टीम के हिसाब से 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी केपी को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, एचएफसीएल के इशू में भी हेल्प किया है. बोले कौन? एक पति पत्नी है, एक पति है जिसने एमबीए किया हुआ है, और एक बीवी है उसकी जो गोल्ड मेडलिस्ट है. नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाओगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना. इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया है. ये केस फूटने के 11 साल, ये केस फूटने के बाद आज से ठीक 11 साल पहले बेबी ने इनको भी बैन किया था. ये पति पत्नी में से पति को बैन किया था. उसके बाद ये लोग बोले थे कि बेबी पागल है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को कैश पसंद है, ऑल दोस थिंग्स दे वर एक्चुअली सेइंग ऑन मीडिया. बट पॉइंट है कि एवरीवन नोज, नो वन स्पीक्स ओपनली, बट एवरीवन नोज व्हाट वाज देयर इन्वॉल्वमेंट. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस हस्बैंड एंड वाइफ इन द ईयर 2000 बिकॉज ऑफ ऑल दीज 2001 बिकॉज ऑफ देयर
जो इनने शॉर्ट्स बनाए थे उस टाइम पे, इनने अप्रोक्सीमेटली टैक्स, एडवांस टैक्स जो भरा था वो था 50 crores का अप्रोक्स. ओके, ये सिर्फ उस साल का. एंड याद रखो, मैं कोई बहुत बड़े ट्रेडर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ. सो यू कैन जस्ट इमेजिन. इनफैक्ट सुनने में आया था कि ये बैंक बैंक के ब्रोकर के साथ ही मिलके इनने क्लोज टू 1.5 crore का ब्रोकरेज विद इन सिक्स या सेवन मंथ्स 1.5 crore का तो ब्रोकरेज ही बनवा के दे दिया था. इस तरह का गेम चल रहा था. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बेयर कार्टेल के दोनों लीडर डिसाइड कर रहे हैं कि बॉस कौन कौन टीम में होगा, तो ये पति पत्नी को उठा लो. एंड दूसरा, बीएससी के चेयरमैन से बात चालू रखो, वो हमारा एक बहुत बड़ा लास्ट में पत्ता बनेगा. बीएससी का चेयरमैन डायरेक्टर राठी साहब फॉर्मर, उनसे भी बात चला लो. और तीसरा जो हमारे इसमें रहेगा, वो हमारी इस बार स्ट्रैटेजी अलग रहेगी. इस बार हम दोनों तरफ से खेलेंगे. बोले दोनों तरफ से? बोले हाँ, ये मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं, K10 स्टॉक्स में बाइंग शुरू कर दो. बाइंग शुरू कर दो? आप लोगों के कान अभी हिल गए होंगे, बाइंग शुरू कर दो, ये क्या स्ट्रैटेजी भाई साहब? अगर केपी शाणा है तो यहां पर भी डबल शाणे बैठे हुए. अब ध्यान से देखो इनने क्या गेम खेली. बाइंग धीरे 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 करके शुरू होती है, अंटिल यशवंत सिन्हा वाला गेम, एंड्रयू वाला कॉल आता है और बेचना शुरू होता है. ये अगर एंड्रयू और यशवंत सिन्हा वाला एंगल जानना है तो लास्ट वीडियो देखो, अगर देखा है तो आप समझ जाओगे क्या है. तो बजट आया है मार्च में, सेलिंग शुरू हो रही है. प्लान एक्चुअली में ये था कि सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करके इस बार नीचे नहीं लाया जा सकता है, इस बार केपी को ही तोड़ना पड़ेगा, पैनिक लाना पड़ेगा, बिकॉज वो पैनिक में आता ही नहीं है. तो प्लेन एंड सिंपल सी चीज कर लो, क्या करो, धीरे धीरे डिलीवरी बाइंग करो और K10 स्टॉक्स पे ही बाइंग करो, वर्सेस ओवरऑल मार्केट में हमारे बियरिश पोजीशंस बना के पहले से रेडी रखो, चाहे इंडेक्स हो, वायदा बाजार हो, जो भी हो, दूर के फ्यूचर्स हो, जो भी हो, सब में सेल बना के रख लो, यहां पर बाइंग रखो. एंड एक दिन में मिलके हम डिलीवरी सेलिंग करेंगे ताकि हर ब्रोकर को खबर पहुंचेगी और वो पैनिक में आएगा, प्लस वहां से हम इस तरह के कॉल, एंड्रयू वाले कॉल लगा के FIIs वाली सेलिंग कराएंगे. एक साथ जब मेजर सेलिंग होने लग जाएगी, डिलीवरी सेलिंग भी हो रही है क्योंकि जो बाइक किया वो सेल कर रहे हैं, प्लस ये सेल हो रहे हैं, तो अचानक से बिकॉज केपी इज ओवर लेवरेज राइट नाउ, इनको पता था कि वो बैंक से बहुत पैसा ले चुका है, तो इस बार इसको ठोक देंगे. अचानक से जब बाजार गिरते हैं और K10 के स्टॉक्स गिरते हैं, दिस टाइम केपी गेट्स नर्वस और एक मिस्टेक कर देता है, वो एक ही बार में सेल का बटन दबा के सब कुछ बेच देता है, जिसके कारण पैनिक सेलिंग आती है. केपी अब उस कंडीशन में नहीं रहा है जहां ही कैन विन बैक द फेथ. पॉलिटिशियंस के कॉल आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस को पता नहीं है कि क्या हुआ है, पैसे का कैसा है, बट थोड़ा उनको डाउट है कि बॉस जिस तरह का बाजार गिरा है, कहीं हमारे पैसे की भी तो लग नहीं गई है. एंड बड़े बड़े लोगों का कॉल आ रहा है, सेठ साहब यहाँ से गायब है, अश्विन साहब अभी गायब है. अब ये सीन, ये बंदा कैसे झेलेगा, प्लस शॉर्ट सेलिंग चल रही है. वहीं पे रेगुलेटर्स इस चीज को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट सेलिंग बैन कर देते. दिस वॉज द टाइम वेन एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग गॉट बैंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग. उनको लगता है शॉर्ट सेलिंग बैन होगी तो जो शॉर्ट सेलर्स होंगे वो कवरिंग करने पहुंचेंगे, लेकिन ये तो और बैकफायर हो जाता है बॉस, बिकॉज अब भी लोग पैनिक में डिलीवरी सेलिंग कर रहे हैं और शॉर्ट सेलर्स ने तो दोनों तरफ का गेम खेल के रखा है. शॉर्ट सेलिंग तो वायदे बाजार पे चल ही रही थी, प्लस डिलीवरी सेलिंग भी कर दी है ताकि सामने वाली पार्टी को लगे कि भाई डिलीवरी सेलिंग हो रही है, तो डर के मारे वो भी अपनी डिलीवरी सेल करे. तानाशाही मच गई है. अब सीन ये हो गया है कि जो GTB बैंक थी और MMTC थी, वहां से जो एक्सपोजर था वो धीरे धीरे करके 100 crores in 1 और 800 crores in 1 केपी का हो चुका था. ये लिया कैसे जाता था, उस टाइम पे एक ऑप्शन रहता था पे ऑर्डर का, पे ऑर्डर के थ्रू ये चीज की जाती थी. तो पे ऑर्डर वाज मोर लाइक अ ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट रहता था. उसमें क्या होता था कि बेसिकली बैंक्स ये ऑप्शन उन्हीं को देती थी जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करती है, बड़े क्लाइंट्स. तो वो बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को बोलती है कि ठीक है हमारा बंदा है, हम उसके बिहाफ में तुमको पैसा पे करेंगे. तो ये बंदा जाके बस पे ऑर्डर दे देता था. तो मैं SBI से पे ऑर्डर लेके बैंक ऑफ इंडिया को दिखा दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 100 crores तो स्टेट बैंक विल पे दिस थिंग, कंसिडरिंग कि मैं बाद में उनको पे कर दूंगा. तो यहाँ पे ऑर्डर का एक घपला होने वाला था.
रूल बना हुआ था कि किसी भी ब्रोकर को 15 करोड़ के ऊपर मार्जिन नहीं दे सकते हो, किसी को बोरिंग नहीं दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो 100 करोड़ के ऊपर जा चुका है, तो रूल्स तो पहले ही ब्रेक हो गए। कैसे? बिकॉज इनने बोर्ड में अपनी सीट ले ली थी केपी ने। दूसरी चीज क्या हो गई थी कि एक पे ऑर्डर यह था 137 करोड़ का। तो सीन ये था कि केपी जाता है बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पे ऑर्डर लेके कि भैया अपन को 137 करोड़ का ये कर दो दूसरे बैंक से, एंड बैंक ऑफ इंडिया दे देती है। अब क्लियरिंग के लिए उस टाइम पे आरबीआई को भेजना पड़ता था आपको पे ऑर्डर, ताकि बैंक ऑफ इंडिया को दूसरे बैंक से पैसा मिल जाए। मोस्टली ये क्लियरिंग 3 दिन में हो जाती थी, विद इन 3 डेज दिस क्लियरिंग यूज्ड टू टेक प्लेस, बट दिस टाइम इट टुक 12 डेज। और 12 दिन बाद इनको पता लगता है कि भैया वो रिजेक्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, बिकॉज एक्चुअली में सामने वाली पार्टी के पास उतना है ही नहीं, एंड दे कैन नॉट इश्यू दिस काइंड ऑफ मनी टू दीज पीपल। तो भैया बैंक ऑफ इंडिया टेंशन में कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो दे दिए। तो दे एक्चुअली कॉन्टैक्ट केपी, ओ बॉस अपने 137 करोड़ आपको लौटा दो। केपी से इसकी देखो भाई 130 करोड़ तो अपन ने मार्केट में लगा दिए, 7 करोड़ है ये लो 7 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया को समझ में आ गया कि एक बड़ा घोटाला हो चुका है, इतने लंबे अवधि के बाद ये पता लगा है कि घोटाला हो गया है। केपी के अगेंस्ट में अब 3-4 चीजें होने वाले, 3 मिस्टेक और यहाँ पे 3 रिपरकशन। पहला रिपरकशन, बेयर कार्टेल जहां K10 में हल्के से लॉन्ग्स बना के डिलीवरी सेल किए, वहीं पे 4x शॉट्स बना रहे थे। दूसरा, इस बार बेयर कार्टेल स्मार्टली खेल रहा था, क्योंकि इस बार उनके पास स्ट्रीट स्मार्ट एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट प्लेयर्स थे। और तीसरा, कि ये जो बैंक वाला था उनने फिर वही गलती कर दी थोड़ी बहुत जो HM ने करी थी 1 मार्च 2001 में जो ये क्रैश हुआ, और इसके बाद जब यहाँ पर केस इन पे डाला गया उसके बाद ये धीरे 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 चीज एस्केलेट हुई, ये बाहर आई, और जो कोलकाता से पुलिस वाले आए थे वो वाला सीन बना, एंड फाइनली केपी वॉज अरेस्टेड। केपी पे बैन लगाया गया फ्रॉम डूइंग दिस थिंग, व्हाट डू वी कॉल, फ्रॉम ट्रेडिंग इनटू द मार्केट्स। बट सबको पता है कि, सबको तो नहीं बट बहुतों को पता है कि केपी इवन आफ्टर दैट वाज रियली एक्टिव। एक रिपोर्ट आई 2009 में कि डिस्पाइट बीइंग बैंड इनटू द मार्केट्स थ्रू 23 एंटिटीज केपी वाज ऑपरेटिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वाज रिवील्ड इन 2015। एंड अब आप लोगों को बता दूं 25 जनवरी 2019 में अचानक से जी के शेयर 30% नीचे गिरते हैं, एंड उनके प्रमोटर एक लेटर लिखते हैं कि जो मैंने 25% प्लेज किया था म्यूचुअल फंड के साथ, अचानक से वहां पर खतरनाक सेलिंग हुई, एंड सम आउटसाइड फोर्सेस आर ट्राइंग टू सेल। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, कि जब केपी इतने बड़े ट्रबल में आ गया था तो एक कॉल लगाया गया था इसी प्रमोटर को, जो अब 25 जनवरी 2018 में 30% का फॉल झेल चुके हैं। आप सभी समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो उन्हीं के प्रमोटर को लगाया गया था, और 100 करोड़ की बात की थी कि भाई 100 करोड़। तो अब ये प्रमोटर को लगा भाई जैसे इसका गुरु अंदर गया ये भी जाने वाला है, तो इसको हल्के में लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये क्या कर लेगा। और केपी ने दिल पे ले लिया था और बोला था बेटा जिस दिन वापस आऊंगा उस दिन KKL कह के -- And that is precisely what he was trying to do. And यहाँ पर अब सिंपल सी चीज ये होती है कि और कुछ चीजें रिवील होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोलकाता विच वॉज द हब फॉर द हाइएस्ट इलीगल ट्रेडिंग, वो 2000 करोड़ का ग्रे मार्केट लॉस में चले जाता है, नंबर वन बंद। सेकेंड चीज ये हो जाती है कि बदला ट्रेडिंग में बवाल मचा रहता है, पता चलता है कि श्रीराम म्यूचुअल फंड हो गया, UTI हो गया, UTI ने DSQA के 14 लाख शेयर उठा लिए थे, बेसिकली सारे म्यूचुअल फंड्स इन लोगों के साथ मिलके कर रहे थे, और आज भी कहानी कोई बदली नहीं है, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। आपको लगता होगा 4-5 साल तक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो MF पे, और हम तो पैसा बना रहे, तुम बेवकूफ हो, एक दिन लगेगा जिस दिन अचानक से जाएगा। आई एम नॉट सेइंग ऑल आर बैड, बट इसको ऐसे मत लेके चलो कि जिंदगी भर इन फंड्स में डालना है, ट्राई टू कीप अ टाइम जहां आप थोड़ा थोड़ा अपना विड्रॉ भी करो, ऐसा नहीं हो कि आप हमेशा उस पे लगा के रखो एंड एट द एंड ऑफ द डे रिटायरमेंट में। बिकॉज मैं आपको बता दूं UTI का जो प्लान था 61 या समथिंग लाइक दैट, उसमें 16,000 करोड़ रुपीज का नुकसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हो गया था, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार होता है, हम लोगों की मेमोरी शॉर्ट रहती है, हर 8-9 साल में एक बार ऐसा होता है, हम ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली डॉट कॉम बबल भी ग्लोबली फटा,
आईटी स्टॉक्स की बैंड बज गई। अब सीन ये हो गया था कि इंफोसिस, विप्रो जैसे जो स्टॉक्स जो ऑलमोस्ट 28,000, 20,000 इस तरह से हो गए थे, ये जब वहां से थोड़े नीचे आए, मतलब ऑलमोस्ट आधे हो गए थे, तो लोगों को लगा भैया वैल्यू बाय है, हम खरीद लेते हैं, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे उस हाई से, और लोगों ने खरीदा, और वो लोगों को डिस्पाइट एंटरिंग इनटू सच गुड कंपनीज, उनका पैसा तब तक रिकवर नहीं हुआ फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स, 9 साल तक रिकवर नहीं हुआ, उसके बाद तो वो ब्रेक इवन पे आए थे, मतलब जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस उनका प्लस माइनस हुआ था, और 9 साल तक कितने लोग टिके होंगे आई डोंट नो। पॉइंट ये है, अंधाधुंध किसी भी बबल में या किसी बड़ी रैली में ये सोच के कि बुल रन है, अंधाधुंध मत घुसो, ये भी एक लेसन है, बिकॉज 9 साल लगे, जो लोग डीएलएफ में घुसे, जो लोग रियल एस्टेट की किसी भी कंपनी में 2007-08 में घुसे हैं, वो भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हों, आज तक उनका पैसा रिकवर नहीं हुआ, दे आर स्टिल सिटिंग ऑन 50-60% लॉसेस, मैं आपको ये बता दूं। तो ये वाली चीज है, कुछ डिफरेंस थे केपी के स्टाइल ऑफ ऑपरेशन में और हर्षद के स्टाइल ऑफ ऑपरेशन में, लाइक केपी इंस्टीट्यूशन को ट्रैक करते थे, हर्षद खुद की बाइंग के हिसाब से वो ज्यादा चलाने की कोशिश करते थे, केपी ज्यादा कोशिश करते थे कि जो म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं, बट जो एचएम थे वो मेनली प्राइमरी से बैंक्स के साथ करते थे, तो बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी सॉर्ट ऑफ सेम था, लेकिन स्टाइल दोनों का अलग था, फेट ऑलमोस्ट सेम था, बस फर्क यह है कि केपी आज भी घूम रहा है, ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को आज का ये सीरीज थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कीजिए, टारगेट 20,000 है, बिकॉज के बाद ओरिजिन्स आएंगे, ओरिजिन्स इतने बड़े नहीं होंगे, दोस विल बी लाइक 10-15 मिनट वीडियो, लेकिन उसमें डिटेलिंग में अपन धीरे धीरे करके कवर करेंगे, कौन कौन क्या रोल था, किसका क्या रोल था। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।